दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय भारद्वाज में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप Google Pay किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों पहले से यूज कर रहे हैं Google Pay तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप यूज करना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि किस तरीके से आप गूगल पे चलाना सीखेंगे। साथ ही हम आपको ये बता दें दोस्तों कि अगर आपको गूगल पे में ऐड कर लिए हैं और आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो पा रहा है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। सारा चीज़ ए टू जेड हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि गूगल पे सही तरीका क्या है यूज करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपको गूगल पे यूज करना है और किस तरीके से आपको बैंक अकाउंट इसमें ऐड करना है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, इसमें हम आपको बारीकी से बताएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, आपके मोबाइल में अगर गूगल पे पहले से होगा तो उसे आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। ऐसे अगर करते हैं आप और हमारे लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको 51 रुपये तक का आपको कैशबैक मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो आप हमारे वीडियो देख रहे हैं इसके वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइटल पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लिंक दिखाई दे रहा है सिंपल ब्लू कलर का, इस पर आपको क्लिक करके इसे आपको डाउनलोड कर लेना होगा गूगल पे। तो जैसे ही आप गूगल पे डाउनलोड करते हैं दोस्तों तो इसमें आपको क्या है कि रिवार्ड आपको मिलेगा, जैसे कि आपको मोर पर क्लिक करना है। इसके बाद आप प्ले स्टोर में रीडायरेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको 1000 रुपये तक का कैशबैक आपको मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप डाउनलोड करके ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना होगा जो आप अपना बैंक अकाउंट में लिंक किए हैं। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर हम करेंगे क्लिक। इसके बाद से जो भी हमारा जो होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप नेक्स्ट पर कर देते हैं क्लिक। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपके नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, आपको वेट कर लेना होगा। जैसे ही दोस्तों ओटीपी आ जाता है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे हमें कुछ टाइम लग सकता है, हमें वेट कर लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले गूगल पिन आपको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर कर देना होगा क्लिक। यहाँ पे आपको 4 अंक का गूगल पिन बना लेना होगा, जो भी आप पिन बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपना पिन बना लिए। इसके बाद जैसे ही हम ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आता है गूगल पे का। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में दिखाई दे रहा होगा 3 डॉट, यहाँ पे आपको सिंपल करना होगा क्लिक। इसके बाद आपको सेटिंग पे आना होगा और सबसे पहले यहाँ पे आपको बैंक ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट मेथड पर आपको क्लिक करना होगा, जो भी आपका बैंक होगा SBI का होगा या HDFC का, यहाँ पे प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके आपको ऐड कर लेना होगा जो भी आपका बैंक होगा। तो दोस्तों अगर आपका बैंक नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है सर्च बार पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे हमारा एयरटेल पेमेंट्स बैंक है तो यहाँ पे हम एयरटेल लिखेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक आया गया, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ मैसेज आएगा तो यहाँ पे आपको परमिशन को अलाउ कर देना होगा, यहाँ पे हम फिर से अलाउ कर देंगे। इसके बाद नंबर आपको देख लेना होगा, ओके पर हमें कर देना होगा क्लिक। ओके पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको नंबर पर वेरिफिकेशन होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर और इसके बाद फंडिंग अकाउंट होगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट्स बैंक यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इंटर UPI पिन पर हमें सिंपल कर देना होगा क्लिक। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हमारा जो होगा पिन UPI पिन यहाँ पे हमें बना लेना होगा। अगर दोस्तों आपका ATM कार्ड होगा आपके पास में तो आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ATM कार्ड का लास्ट 6 अंक का आपको डालना होगा, जो भी आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डाल देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपका CVV नंबर पूछा जाएगा तो आप डाल सकते हैं। अगर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले UPI पिन डाल लेना होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप पहले से ATM कार्ड इसमें ऐड किए होंगे तो आपको ये वाला आएगा ऑप्शन, अगर आप पहले से ऐड नहीं किए होंगे और नया आप अगर यूज कर रहे होंगे तो आपको ATM कार्ड का लास्ट का 4 अंक का नंबर आएगा, उसके बाद अपना CVV नंबर, उसके बाद से आपका UPI पिन बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पहले से ऐड किए हुए हैं तो हम अपना पिन डाल लेंगे। यहाँ पे हम जैसे ही पिन डालते हैं तो यहाँ पे हमें साइन पर कर देना होगा क्लिक, तो यहाँ पे हमारा जो है बैंक ऐड सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है अकाउंट सक्सेसफुल ऐड हो चुका है एयरटेल पेमेंट्स बैंक का। यहाँ पे हम बैंक आएंगे, बैंक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब आप देखिएगा दोस्तों, अगर आपको किसी को पैसा भेजना होगा तो आप किस तरीके से भेज सकते हैं हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ परमिशन आएगा तो यहाँ पे आपको सिंपल अलाउ पर कर देना होगा क्लिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी रिवार्ड वगैरह अगर आप इनकम करते हैं तो रिवार्ड पर आपको क्लिक कर देना होगा, जो भी आप अभी तक रिवार्ड किए होंगे तो यहाँ पर आपका शो करेगा। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों आप अगर हमारे लिंक से लिंक डाउनलोड किए होंगे तो यहाँ पर आपका 1 रुपया इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं आपको ट्रांजेक्शन किस तरीके से आपको करना है।
अब दोस्तों अगर आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको न्यू पर करना होगा क्लिक। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल रिचार्ज, अगर रिचार्ज करना होगा तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बिल पेमेंट्स अगर आपको करना होगा तो यहाँ से कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफ़र करना होगा तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि हमें बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो बैंक ट्रांसफ़र पर हम करेंगे क्लिक। सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर डालना होगा, फिर से यहाँ पर रिपीट करके अकाउंट नंबर डालना होगा, IFC कोड डालना होगा, रिसिप्ट नेम डालना होगा। इसके बाद यहाँ पे जितना भी अमाउंट डालना चाहते हैं यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको डन पर करके क्लिक यहाँ पे आप भेज सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बैक आते हैं दोस्तों तो बैक आने के बाद दोस्तों अगर मान के चलिए अगर हमें किसी UPI के द्वारा से भेजना होगा तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं UPI ID QR कोड, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो QR कोड स्कैन करके भी आप भेज सकते हैं। अगर आप मान के चलिए अगला आदमी को अगर आप पैसा भेज रहे हैं तो उन्होंने अगर गूगल पे यूज करते होंगे तो आपको गूगल पे का नंबर यहाँ पे डालना होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन नंबर, यहाँ पे हम सिंपल करेंगे क्लिक। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमें नंबर डालना होगा मोबाइल नंबर यहाँ पे हम डाल देंगे। इसके बाद वेरीफाई पर करेंगे क्लिक, अगला आदमी अगर गूगल पे यूज करते होंगे तो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको बैलेंस चेक करना होगा तो यहाँ पे हम बैंक आएंगे। बैंक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक बैलेंस पर हम करेंगे क्लिक। चेक बैलेंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो भी पिन होगा यहाँ पे हम अपना डाल लेंगे। डाल लेने के बाद दोस्तों जो भी हमारा बैंक बैलेंस होगा यहाँ पे शो करेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।